किसान आंदोलन को लेकर बिहार के प्रत्येक जिले में विपक्षी दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। किसानों के समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन जारी है। इसी बीच किसानों का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी छाया हुआ है। हालांकि किसान संगठनों ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देने की अपील की है, इसके बावजूद बिहार में खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। किसान आंदोलन पर जहां विपक्ष समर्थन देते हुए कृषि बिल को काला कानून बता रही है, तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग इसे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होने पर जबरन तूल देने की बात कह रहे हैं। इसी बीच जदयू के नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी कर तथाकथित भारत बंद के दिन महागठबंधन के सहयोगी दल के नेताओं को एक पत्र जारी किया है। नीरज कुमार ने लिखा है, उम्मीद है कि आज दिनांक 8/12/2020 को तथा कथित भारत बंद के दिन महागठबंधन के सहयोगी दल के नेता प्रण लेंगे। उम्मीद है कि आज दिनांक 8/12/2020 को तथा कथित भारत बंद के दिन महागठबंधन के सहयोगी दल के नेता प्रण लेंगे कि हम प्रण करते हैं कि विधानसभा चुनाव 2020 में चुनावी हार के बाद बंद के दौरान सड़क, बाजार और रेलवे ट्रैक पर अराजकता फैलाकर चुनावी हार का प्रतिशोध लेंगे। हम प्रण करते हैं कि 1920 से 2005 के बीच लालूवाद विचारधारा के तहत भोजपुर, गया, जहानाबाद, अरवल, रोहतास के जैसे अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में नरसंहार के दौर के बाद नवंबर 2005 से अब तक सामाजिक सद्भाव के दौर को खत्म कर बंद के दौरान लाठी, डंडा और पत्थरबाजी करने के लिए प्रेरक बनूंगा। हम प्रण करते हैं कि पटना, गोपालगंज, दरभंगा, पूर्वी चंपारण जैसे अन्य जिलों के किसान आज बंद के दौरान मिलेंगे तो खाता बही लूट कर जमीन लालू परिवार के नाम से करवाने के लिए सलाह और सहयोग करूंगा।